मेरे सीनियर थी हादसा मैम, तो वो इसी तरह से मुझे कैंप में देती रही थी। उससे पहले भी मतलब वहाँ हॉस्टल में प्रेयर होता था, मैं जाती थी। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ईयर में ही आई थी, तो मैम लोग मुझे बहुत बुलाते थे कि हमारे यहाँ शाम को प्रेयर हो रहा है तो आना चाहिए। तो मैं हाँ मतलब हाँ मैं बोलती थी, लेकिन मैं कभी जाती नहीं थी। भले ही मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं प्रभु को इस तरह से नहीं जानती थी जिस तरह से मैं अभी जानती हूँ। तो मैम लोग बुलाते थे मुझे प्रेयर के लिए, लेकिन मैं कभी नहीं जाती थी। लेकिन थर्ड ईयर के टाइम पे जब तक मेरी लाइफ बहुत सारी ट्रेजेडी हो चुकी थी, तो मैं बहुत उदास रहती थी, परेशान रहती थी सब चीज़ों से। तो मैम लोग मुझे बुलाए थे प्रेयर के लिए, वो कभी नहीं छोड़े मुझे बुलाना, वो हमेशा बुलाते थे मुझे। लेकिन थर्ड ईयर के टाइम पर फर्स्ट टाइम वहाँ प्रेयर के लिए गई, तब हर्षा मैम थी, प्रतिष्ठा मैम थी, मधु मैम थी वहाँ, और भी बहुत सारे सीनियर्स थे वहाँ पे। फिर इसी तरह से मैं प्रेयर में जाना स्टार्ट करी, और फिर उसमें कैंप के मैम मुझे लेके गई थी। दिलाई में कैंप हुआ था इसी कैंप, तब मैं वहाँ बस परमेश्वर को जान पाई गहराई से, और जान पाई कि परमेश्वर ने सच में परमेश्वर, मैं जानती थी कि परमेश्वर ने अपनी जान दी है हमारे पापों के लिए, लेकिन मैं इसका अर्थ कभी नहीं समझ पाई थी। बस शब्दों की तरह जानती थी उसको, गहराई से नहीं जानती थी और उसे महसूस नहीं करती थी। लेकिन वो कैंप मेरे एक टर्निंग पॉइंट था, इसी कैंप जो जुलाई में हुआ था 2013 में, मेरी लाइफ के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और मैं वहाँ सबसे पहली बार परमेश्वर को जान पाई, और वहाँ मैं परमेश्वर को ग्रहण करी अपने उद्धारकर्ता के रूप में। और मैंने वहाँ पे अपने पापों के लिए क्षमा मांगी, परमेश्वर को ग्रहण करी, और उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। मैं हॉस्टल आई, उसके बाद अभी क्या है प्रभु के वचन को सुनने का विश्वासन को लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही दूर से आए हैं और हमारे बीच में उस वचन को सुनाना चाहते हैं, हमें उसके प्रेम को बताना चाहते हैं। तो उसका पास्टर संपन्न राव भैया का तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और जो दिए गए हैं डिसाइपल बीइंग फ्रूटफुल, मतलब फ्रूटफुल डिसाइपलशिप, विषय यह है कि फलवर्ती शिष्यता या फलवर्ती चेला। It's turn on the book of John, chapter 15, verses 1 to 8. In particular, the verse 8 is the most prominent and significant verse for our devotion on this. और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वचन ये रहेगा युहन्ना 15, उसका आठवां पद में, क्योंकि शिष्यता के विषय में बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इन द सेम टाइम टू रीड इन हिंदी और इंग्लिश, बट समबडी कैन रीड लाउडर। आप इसे कोई इंग्लिश में या हिंदी में पढ़े, लेकिन कोई भी स्पष्ट आवाज से जोर से पढ़ेंगे। यीशु ने कहा, सच्ची दानदाता मैं हूं और मेरा परम पिता देखरेख करने वाला माली है। मेरी हर उस शाखा को जिसमें फल नहीं लगता वह काट देता है, और हर उस शाखा को जो फलती है वह छांटता है, ताकि उस पर और अधिक फल लगे। तुम लोग तो जो उपदेश मैंने तुम्हें दिया है उसके कारण पहले ही शुद्ध हो। तुम मुझमें रहो और मैं तुम्हें रहूंगा, वैसे ही जैसे कोई शाखा जब तक दाखलता में बनी रहती है तब तक अपने आप फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक मुझ में नहीं रहते। वह दाखलता मैं हूँ और तुम उसकी शाखाएं हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह बहुत फलता है, क्योंकि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह टूटी शाखा की तरफ फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, फिर उन्हें बटोर कर आग में झोंक दिया जाता है और उन्हें जला दिया जाता है। यदि तुम मुझ में रहो और मेरे उपदेश तुम में रहे, तो जो कुछ तुम चाहते हो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। इससे मेरे परम पिता की महिमा होती है कि तुम बहुत सफल हो और मेरे अनुयायी।